Hello, once again, good morning, all of you. In the pediatric portion, in the unit number 3, we are discussing about the newborn baby care. In this previous class, we are discussing about the physical examination of the newborn baby. Okay, means the head to toe examination of the newborn baby and detect any congenital abnormalities. Okay. मतलब जो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो हेडबोन हेड से लेकर जो न्यू बॉर्न जो बेबी रहेगा वो हेड से लेकर उसका टो तक का उसके अंदर एग्जामिनेशन होगा किया जाएगा और उसका जो नॉर्मल क्राइटेरिया या फिर कोई अबनॉर्मलिटी होगी वो उसके अंदर अर्ली स्टेज के अंदर उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका मैनेजमेंट भी उसके अंदर हम कर सकते हैं। तो इसी के अंदर हमने जो वाइटल साइंस या फिर जो एंथ्रोपोमेट्रिक जो असेसमेंट या फिर जो ईयर्स और जो आईज का उसके अंदर असेसमेंट उसके अंदर हमने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सेम इसके हेडिंग से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो असेसमेंट के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे द नोज। ठीक है, द नोज के अंदर जो जो न्यूबॉर्न बेबी होगा इन द नोज चेक इट शुड बी द सेंटर ऑफ द फेस। ठीक है, तो नोज को यदि हम चेक करेंगे तो उसके अंदर हमको क्या चेक करने का जरूरत रहेगी। ठीक है, तो इन द नोज चेक इट शुड बी द सेंटर ऑफ द फेस। जब भी हम न्यू बॉर्न बेबी का जो नोज को यदि उसके अंदर चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो नोज होना चाहिए वो उसके सेंटर ऑफ द फेस, फेस के जो सेंटर वाले पार्ट के अंदर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो नोज होगा वो गाल के अंदर इधर होगा या फिर इधर होगा। ठीक है, या फिर आधा जो टेढ़ा मेढ़ा उसके अंदर रहेगा तो वो उसके जो अबनॉर्मलिटी होगी वो उसको डिटेक्ट करने के लिए इंडिकेट करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट ईच नोज फिल्स आर इक्वली सेपरेशन विद द विदाउट डीएनएस। ठीक है, मतलब इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो ईच नोज फिल्स होते, ठीक है, मीन्स ये जो नोज फिल्स होते, ठीक है, मतलब ये जो ओपनिंग होनी चाहिए और इन दोनों के बीच के अंदर जो ये जो सेपरेशन होता है, ठीक है, तब वो उसके अंदर इक्वली उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये जो नोज वाला जो पार्ट रहेगा, ये नोज वाला पार्ट, ठीक है, तो ये न्यू बॉर्न बेबी कहते हैं ये नोज वाला पार्ट इसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, तो ये जो दोनों इसके अंदर जो नोज फिल्स होने चाहिए वो इक्वली उसके अंदर सेपरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके अंदर जो डिलेटेड नेजल सेप्टम, ठीक है, तो डीएनएस का मतलब होगा डिलेटेड नेजल सेप्टम। ठीक है, मतलब ये वाला जो नेजल सेप्टम होता है वो दोनों नोज फिल्स होता है उसको अलग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यदि ये इसके अंदर डाइवर्ट हुआ होगा, ठीक है, मतलब ये वाला इसके अंदर इस रीजन का मुड़ा रहेगा, तो ये वाला जो एक नोस्टिल्स होगा वो उसके अंदर बड़ा होगा और एक वाला जो नोस्टिल्स होगा उसके अंदर छोटा होगा। ठीक है, और जो नोज का अपीयरेंस होगा वो भी उसके अंदर एक साइड के अंदर बड़ा हुआ या फिर इस वे के अंदर मुड़ा हुआ उसके अंदर हमको दिख सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको ये चेक करने का जरूरत रहेगा कि वो फेस के सेंटर के अंदर होना चाहिए और नोस्टिल्स होने चाहिए वो दोनों इक्वली उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट सेपरेटेड किए हुए होने चाहिए विदाउट द डिविएटेड नेजल सेप्टम उसके अंदर नहीं होना चाहिए, वो हमको चेक करने का जरूरत उसके अंदर रहेगा। ठीक है, द नेक्स्ट नॉर्मल अपीयरेंस द फ्लैट एंड द ब्रॉड। ठीक है, और जो नोज का अपीयरेंस होना चाहिए वो उसके अंदर ब्रॉड या फिर उसके अंदर दुबला उसके अंदर जोड़ा का छोटा उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट द नेल्स शुड बी पोटेट ओपन। ठीक है, और जो ये जो नोस्टिल कैविटी होती है वो उसके अंदर ओपनिंग होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो नेल्स होते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला जो नेल्स वाला जो पार्ट होना चाहिए वो कंजनेटली उसके अंदर ओपन होना चाहिए। इसके अंदर ऐसा नहीं कि वो एब्सेंट होने चाहिए, मतलब उसके अंदर ये क्लोज इसके वे के अंदर नहीं होने चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट चेक फॉर द नेजल फ्लेयरिंग इट इंडिकेट द रेस्पिरेटरी एफर्ट। ठीक है, और यदि उसके अंदर यदि जो नेज वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, मतलब ये जो नेज वाला पार्ट रहेगा तो ये वाला इस वे के अंदर मूवमेंट करता हुआ होता है। ठीक है, मतलब जो नेजल फ्लेयरिंग उसके अंदर रहेगी, मतलब जो बेबी होगा उसको यदि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसके अंदर रहेगी तो ये नोस्ट्रिल्स का ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो फ्लेक्सिबल वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर इस वे के अंदर मूवमेंट करेगा, मतलब थोड़ा बहुत उसके अंदर मूवमेंट होगा वो उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, तो इसको हम नेजल फ्लेयरिंग के नाम से
जाना जाता है, ठीक है। तो चाइल्ड के नोज वाले पार्ट को यदि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर यदि मेजर फ्लेरिंग वाली कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल है, तो वो इंडिकेट करेगी कि इसको कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। द नेक्स्ट कंजनेटरी इज द एब्सेंट ऑफ द नोज, ठीक है, मतलब कंजनेटरी उस बेबी के अंदर नोज उसके अंदर यदि एब्सेंट हो जाता है, उस कंडीशन को हम अराइनिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अराइनिया का मतलब होगा कि एब्सेंट ऑफ द एक्सटर्नल नोज, ठीक है। द नेक्स्ट एब्सेंट ऑफ द नेसोफेरिंजियल ओपनिंग, ठीक है, मतलब ये वाला जो एक्सटर्नल जो ईयर वाला जो नोज वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो अंदर की तरफ जो नेसोफेरिंक्स वाला जो पार्ट होगा बीच वाले पार्ट के अंदर ये नोज वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो ह्यूमन बींग के अंदर ये नोज वाला जो पार्ट होगा वो इसके अंदर आगे की तरफ अंदर की तरफ ये वाला जो ओपनिंग होता है नेसोफेरिंग के अंदर, तो इसके अंदर अंदर की तरफ भी वो उसके अंदर ओपनिंग उसके अंदर अवेलेबल रहती, ठीक है। तो ये यदि ओपनिंग होगी ये वाला पार्ट उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन को हम अराइनिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बट जो नेसोफेरिंग्स वाला, ठीक है, मतलब जो बाहर के जो नेस्टिंग्स होते हैं वो उसके अंदर ओपन होते हैं, बट उसके अंदर हवा अंदर लेने के बाद में ये वाली जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जो ट्रेकिया वाले पार्ट से जुड़ी हुई होती है ओपनिंग, तो वो उसके अंदर क्लोज होती है, तो इस वाले कंडीशन को हम कोरोनल एट्रेशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर इसके अंदर ऐसा होगा कि अंदर की तरफ जो नेसोफेरिंजियल की जो ओपनिंग होती है, तो वो नेसोफेरिंजियल की ओपनिंग होगी वो उसके अंदर ब्लॉक रहती है, या फिर उसके अंदर जो उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह रहेगा, तो उस कंडीशन को हम कोरोनल एट्रेशिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो न्यू बॉर्न में भी होगा तो उसके नोज के अंदर ये सब जो क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हम चेक करने का जरूरत रहेगा। ओके, द नेक्स्ट इन द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न द नेक्स्ट पार्ट इज द माउथ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नोज के बाद में तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर माउथ का असेसमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो माउथ के अंदर इन द माउथ वी चेक द लिप्स द टूथ द गम्स ओरल कैविटी द टंग एंड द ओरल म्यूकोसा, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो माउथ के अंदर जो असेसमेंट करेंगे तो उसके अंदर माउथ के ये जो पार्ट होंगे वो उसके अंदर जो उसके अंदर जो चेक करेंगे और उससे रिलेटेड कोई अबनॉर्मिटी रहेगी तो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने जो जीआई ट्रैक के जो डिसऑर्डर्स हमने डिस्कशन किए थे तो उससे रिलेटेड जो माउथ से रिलेटेड जो कंजनेटल प्रॉब्लम्स होती है वो उसके अंदर आइडेंटिफाई किए थे, तो वो उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर क्लैफ्ट लिप एंड द क्लैफ्ट पैलेट, मतलब जो लिप्स के अंदर जो यदि कोई फीचर या फिर उसके अंदर जो कट वगैरह अवेलेबल रहता है, तो वो क्लैफ्ट लिप या फिर जो पैलेट वाला जो पार्ट होता है तो उसके अंदर क्लैफ्ट पैलेट वाली कंडीशन उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट गम्स आर पिंक एंड द मॉल्स, मतलब जो नॉर्मली जो मसूड़े होते हैं, ठीक है, तो मसूड़े रहेंगे वो नॉर्मली पिंक एंड द मॉल्स उसके अंदर रहते हैं, मतलब जो नमी वाले या फिर जो पिंक कलर के उसके अंदर अपीयरेंस वाले होते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर यदि ब्लू डिस्कलरेशन होता है तो वो साइनोसिस को इंडिकेट करेगा, और उसके अंदर ड्राई उसके अंदर जो गम्स रहेंगे तो वो डिहाइड्रेशन को उसके अंदर इंडिकेट करेगा, ठीक है। द नेक्स्ट जो टंग का यदि असेसमेंट करते हैं तो पेट टंग इंडिकेट द साइनोसिस, मतलब उसके अंदर जो सफेद अपीयरेंस वाली छोटी सी उसके अंदर यदि टंग का अपीयरेंस रहेगा तो वो साइनोसिस को बताएगी, और जो अनिमिया वाले मतलब उसके अंदर ब्लड की कमी होगी तो उसको इंडिकेट करेगा, द पेट कलर की उसके अंदर जो टंग का अपीयरेंस रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट जो सेंट्रली के अंदर जो टंग को यदि हम देखेंगे तो थोड़ा सा यदि पीला अपीयरेंस उसके अंदर दिखता है, मतलब जो ओरल जो जो कैविटी के अंदर जो टंग वाला जो पार्ट होगा वो यदि थोड़ा सा येलो अपीयरेंस का रहेगा तो उसकी वजह से वो हमको इंडिकेट करेगा जॉन्डिस वाली कंडीशन को, ठीक है। द नेक्स्ट वन द माउथ के अंदर वाला जो पार्ट होगी उसके अंदर हम देंगे तो चेक फॉर द नेटल टूथ, ठीक है, मतलब प्रेगनेंसी के अंदर जो बर्थ होने के बाद में बेबी जो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो ज्यादातर नोटिस किया जाता है कि जो उसके अंदर दांत होते वो अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, दांत होते वो 6 महीने के बाद में उसके अंदर स्टार्ट होते, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी बर्थ के टाइम से उसके अंदर जो दांत होते वो अवेलेबल रहते, ठीक है, तो उन दांतों को हम नेटल
टूथ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हमको मेटल टूथ का भी उसके अंदर असेसमेंट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक फॉर द ओरल म्यूकोसा फॉर द एक्सट्रीम पर्ल और द ओरल क्रस्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो ओरल म्यूकोसा होगी, ठीक है, मतलब जो गाल वाला या जो माउथ के अंदर जो ओरल म्यूकोसा वाला जो ये वाला जो पार्ट होगा, तो वो उसके अंदर हमको चेक करने का जरूरत रहेगा कि उसके द्वारा जो दो कंडीशन होती है वो उसके अंदर हमको आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। या तो फिर जो एक्सट्रीम पर्ल वाली या फिर जो ओरल क्रस्ट वाली कंडीशन है या नहीं, ठीक है, मतलब जो ओरल कैविटी के अंदर यदि जो व्हाइट कलर का उसके अंदर दाग बना हुआ होता है, ठीक है, मतलब जो ओरल कैविटी यदि हम न्यू बॉर्न की देखते हैं तो उसके अंदर नॉर्मली वो पिंक कलर के अपीयरेंस की होती है, ठीक है, बट उसके अंदर यदि व्हाइट कलर का उसके अंदर दाग, मतलब उसके अंदर जो ओरल कैविटी के अंदर व्हाइट कलर के यदि पैचेस उसके अंदर अवेलेबल रहते तो वो इंडिकेट करेगा या तो उसके अंदर एक्सट्रीम पर्ल, मतलब जो एक दो बर्थ के टाइम के अंदर होने वाला जो एक दो माइनर जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है, मतलब जो थोड़ा बहुत जो अल्ट्रेशन वाला उसके अंदर जो माइनर प्रॉब्लम होती है तो एक्सट्रीम पर्ल्स, या फिर उसके अलावा जो ओरल कैविटी का जो इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को शो करेगा बाय द ओरल क्रस्ट, ठीक है। इन दोनों के अंदर जो पैचेस बनेंगे, मतलब उसके अंदर जो ओरल कैविटी के अंदर जो निशान बनेंगे वो व्हाइट कलर के होते, ठीक है। तो दोनों के अंदर हम कंपेयर नहीं कर पाते कि यार ये नॉर्मल क्राइटेरिया एक्सट्रीम पर्ल है या फिर ओनली वो जो इन्फेक्शन तो ओरल क्रस्ट वाली कंडीशन उसके अंदर है, ठीक है। तो उसको हम कंफर्म करने के लिए जो एक्सट्रीम पर्ल होता है वो ओनली फॉर माइनर एलिमेंट्स इन द बॉडी, ठीक है, मतलब बेबी के अंदर तो बर्थ के टाइम से उसके अंदर जो थोड़ा सा अल्ट्रेशन वाली कंडीशन वो रहती है वो एक्सट्रीम पर्ल्स होती है, ठीक है। बट इसके अलावा जो ओरल क्रश होगा वो एक जो एंटी फंगल एक जो फंगल इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है, ठीक है। बट इसी के अंदर जो एक्सट्रीम पर्ल होता है वो रिकवर ऑटोमेटिकली, ठीक है, मतलब जो एक्सट्रीम पर्ल होता है वो माइनर जो उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल जो प्रेग्नेंट जो बेबी के अंदर जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर अराइज होता है और वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर बिना किसी ट्रीटमेंट के वो ठीक हो सकता है, ठीक है। बट जो ओरल क्रश वाली जो कंडीशन है कि उसको ठीक करने के लिए जो एंटी फंगल जो थेरेपी होगी वो उसके अंदर देने का जरूरत उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंफर्म बाय द रब द म्यूकोसा बाय द गॉज पीस, ठीक है, और उसको कंफर्म करने के लिए एक जो उसके अंदर गॉज पीस लेते हैं और हम ओरल म्यूकोसा का उसके अंदर इस वे के अंदर उसके अंदर रब करेंगे, ठीक है। तो यदि वो व्हाइट कलर का जो निशान होता है वो यदि उसके अंदर रब हो जाता है, मतलब उसके अंदर मिट जाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर मिट जाने के बाद में कोई ब्लीडिंग या फिर उसके अंदर रेडनेस वगैरह नहीं होती है तो वो कंडीशन कहलाएगी एक्सट्रीम पल्स, ठीक है, मतलब जो माइनर जो बर्थ के टाइम उसके अंदर जो एलिमेंट होने वाला जो कंडीशन रहेगी एक्सट्रीम पल्स, वो उसके अंदर कंफर्म कैसे कर सकते हैं कि व्हाइट कलर का जो निशान होता है वो यदि गॉज पीस के द्वारा उसके अंदर रब करने के बाद में यदि वो मिट जाता है, ठीक है, तो वो कंडीशन रहेगी एक्सट्रीम पल्स, ठीक है। बट इसके अलावा यदि हमने उसने रब किया इसके ऑपोजिट कंडीशन के अंदर यदि हमने उसको रब किया हुआ उसके अंदर से ब्लीडिंग और उसके अंदर रेडनेस वाली कंडीशन उसके अंदर शो होती है, ठीक है, तो वो कंडीशन रहेगी ओरल थ्रश, ठीक है। तो ओरल थ्रश रहेगा तो उसको कंफर्म करने के बाद में एंटी फंगल मेडिसिन रहेगी वो उसके अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो माउथ वाला जो पार्ट रहेगा तो माउथ के अंदर ये क्राइटेरिया रहेगा वो उसके अंदर हमको चेक करने का जरूरत इसके अंदर रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो पार्ट रहेगा द नेक, ठीक है। तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो नेक वाला जो पार्ट रहेगा तो उस नेक वाले पार्ट के अंदर उसके अंदर चेक करेंगे इन द नेक चेक फॉर द स्ट्रक्चर, मतलब जो नेक का जो स्ट्रक्चर, मतलब जो नेक है वो उसके अंदर टॉल है शॉर्ट है या उसके अंदर लंबी गर्दन है, ठीक है। तो गर्दन का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो उसके अंदर चेकआउट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेंज ऑफ द मोशन, ठीक है, मतलब जो नेक का जो मूवमेंट होता है, मतलब जो साइड बाय साइड उसके अंदर मूवमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है, या वो उसके अंदर जो अलग टाइप का जो मूवमेंट उसके अंदर अवेलेबल चारों जो डायरेक्शन के अंदर जो मूवमेंट कर सकती है या नहीं कर सकती तो वो उसके अंदर चेकआउट किया जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट थायरॉइड असेसमेंट, ठीक है, तो गले वाले
क्वेश्चन के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर इंफ्लामेशन रहेगा, तो वो उसके अंदर जो आयोडीन वाली कंडीशन रहेगी, ठीक है, तो उसके अंदर जो गोइटर वाली कंडीशन होती है, ठीक है, तो थायराइड का असेसमेंट करेंगे तो गोइटर वाली कंडीशन होती है, ठीक है, में से जो गला रहेगा वो उसके अंदर फूला हुआ हो सकता है, ठीक है, तो गला उसके अंदर फूला हुआ रहेगा तो उसके अंदर जो गोइटर वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर असेसमेंट हम उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर जो हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशन रहेगी वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट चेक फॉर द कॉर्टिकोलेज, ठीक है, और ये जो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर तो बर्थ के टाइम से या फिर उसके अंदर जो प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर यदि उसके अंदर कुछ इंजरी होती है नेक वाले एरिया के अंदर, तो न्यू बॉर्न बेबी की जो गर्दन होगी वो बर्थ के टाइम से इस वे के अंदर एक साइड के अंदर मुड़ी हुई रहेगी, मतलब बेबी रहेगा वो इस वे के अंदर एक साइड के अंदर मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, तो इस वे के अंदर वो उसका गर्दन वाला एरिया रहेगा, तो उस कंडीशन को टॉर्टिकोलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन ट्विस्टिंग द नेक एट द वन साइड ड्यू टू द वीक ट्रैपीजियस मसल, ठीक है, मतलब मसल्स को स्ट्रेट करने के लिए जो या फिर मूवमेंट करने के लिए जो मसल्स होती है वो ट्रैपीजियस मसल उसके अंदर रेस्पॉन्सिबल होती है, और उसको मूवमेंट करवाने के लिए या फिर उसके अंदर जो रेस्पॉन्स देने के लिए जो एक जो नर्व होती है एक्सेसरी नर्व, जो 11th नंबर की जो नर्व रहेगी, तो 11th नंबर की जो नर्व एक्सेसरी नर्व होती है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। अब ये उसके जो मसल्स या फिर उसकी जो नर्व के अंदर डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम टॉर्टिकोलिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो टॉर्टिकोलिस के अंदर ऐसा होगा कि ये जो गर्दन वाला जो पार्ट होगा वो एक साइड के अंदर इस वे के अंदर मुड़ जाएगा, ठीक है, तो बेबी होगा वो बर्थ के टाइम से इस वे के अंदर मुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, और इसी कंडीशन को हम राइमेक या फिर जो लॉक्सिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो राइमेक या फिर लॉक्सिया वाले कंडीशन को हम दूसरा नाम टॉर्टिकोलिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंजेस रहेंगे वो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर नेक के अंदर हमको चेक करने का जरूरत उसके अंदर रहेगा। ओके, द नेक्स्ट इन द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यू बॉर्न द नेक्स्ट पार्ट विल बी चेक दैट इज अ चेस्ट, ठीक है, तो न्यू बॉर्न बेबी का जो चेस्ट वाला जो पार्ट उसके अंदर हम चेकआउट किया जाएगा, तो इन द चेस्ट चेक द चेस्ट मूवमेंट, ठीक है, मतलब उस चेस्ट वाले एरिया के अंदर जो चेस्ट का मूवमेंट मतलब उसका जो रेस्पिरेटरी जो पैटर्न रहेगा वो उसके अंदर कैसा है, या फिर उसके अंदर ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है, तो चेस्ट का जो मूवमेंट होगा तो उसके द्वारा उसके अंदर जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा वो उसका उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थोरेसिक कैस, ठीक है, मतलब जो रिब्स का जो थोरेसिक कैविटी वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर आइडेंटिफाई करके कुछ अबनॉर्मलिटी रहेगी वो उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट चेस्ट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, और उसके अंदर जो थोरेसिक कैविटी के जो अबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो उसके अंदर हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली द चेस्ट अपीयर राउंड, ठीक है, मतलब एज कंपेरिजन टू द एडल्ट के अंदर जो चेस्ट वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर ब्रॉड होता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर छोटा है उसके अंदर स्क्वायर के जैसा उसके अंदर अपियरेंस होता है, ठीक है। बट जो नॉर्मली जो न्यू बॉर्न बेबी का जो उसके अंदर चेस्ट वाला जो पार्ट होगा तो नॉर्मली जो न्यू बॉर्न बेबी का जो चेस्ट वाला जो पार्ट होगा वो उसके अंदर राउंड अपियरेंस का होता है, ठीक है, और राउंड अपियरेंस के अलावा वो और उसके अंदर जो ओवल शेप का या फिर उसके अंदर एक्स्ट्रा उसके अंदर जो राउंड वाला जो शेप उसके अंदर आ जाता है तो वो इंडिकेट करेगा अबनॉर्मलिटी को, ठीक है, तो उसके अंदर जो अबनॉर्मलिटी हो जाती है ऐसा रैकेटिक रोसरी एंड रिकेट्स वाली जो डिजीज रहेगी, तो वो रैकेटिक रोसरी वाली कंडीशन जो ब्रोंकाइटिस वाली कंडीशन के अंदर या फिर जो रिकेट्स वाली की जो कंडीशन रहेगी तो विटामिन डी के डेफिशिएंसी होने की वजह से अराइज हो सकता है, ठीक है। तो ये थोरेसिक केस के अंदर जो आने वाली जो रेडिएशन उसके अंदर जो साइज के अंदर रहेगी, ठीक है। एंड इन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस द इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, ठीक है, और उस कंडीशन के अंदर जो रिब्स केज वाला जो पार्ट होगा तो उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी जो इंटरकोस्टल जो रिट्रैक्शन होगा वो उसके अंदर नोटिस किया जाएगा एट द स्टेज ऑफ द रेस्पिरेटरी
डिस्ट्रेस, ठीक है, मतलब जो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड उसके अंदर कुछ अल्टरेशन या फिर जो डिसऑर्डर अंदर रहेगा, तो उसके अंदर जो रिब्स वाला जो पार्ट रहेगा, ठीक है, तो ये जो नॉर्मली जो रिब्स वाला जो पार्ट होता है तो उसके ऊपर जो स्किन होती है, ठीक है, तो वो स्किन होती है वो रिब्स को पूरा कवर कर देती, ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर ऐसा रहेगा कि रिब्स के ऊपर जो स्किन होती है तो वो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, तो ये जो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है तो वो रिब्स जो स्किन रहेगी वो उस रिब्स के स्पेस के अंदर चली जाएगी, ठीक है, और बाहर की तरफ से हम देखेंगे तो रिब्स का जो केज रहेगा मतलब जो रिब्स होगी वो हमको बाहर की तरफ से इसीलिए उसके अंदर हमको दिखेगी कि स्किन होगी वो उसके बीच के अंदर अंदर धसी हुई हमको दिखेगी, ठीक है, मतलब जब नॉर्मली ऐसा होता है कि ये रिब्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, ठीक है, तो वो उसके अंदर एकदम फ्लैट होती है, ठीक है, मतलब ये रिब्स के बीच में जो स्किन होती वो उसके अंदर की तरफ धसी हुई नहीं रहेगी, ठीक है, बट इस जो इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन का मतलब ऐसा रहेगा कि ये रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है तो उसके अंदर जो स्किन वाला जो पार्ट होगा वो अंदर की तरफ इसके अंदर धसा हुआ रहेगा, ठीक है, तो ये कंडीशन जब अराइज होगी जब बेबी के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली कंडीशन उसके अंदर रहेगी, तो ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर स्किन होगी वो अंदर की तरफ जो अंदर की तरफ गई हुई रहेगी, तो उस कंडीशन को इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट एज नॉर्मल ब्रीथ और एनी अबनॉर्मल साउंड इंडिकेट द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है, और जो नॉर्मली जो उसका जो रेस्पिरेटरी साउंड रहेगा तो उसके टाइम के अंदर जो उसका ब्रीथिंग साउंड रहेगा, ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप का यदि अबनॉर्मल टाइप का जो साउंड रहेगा तो उस अबनॉर्मल साउंड के द्वारा भी उसके अंदर जो रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, तो उसका इंडिकेशन के द्वारा उसको पता लगाया जा सकता है, ठीक है। The next word, check for the ribs for the clavicle fracture, ठीक है, और उसके अलावा तो ribs वाले area के अंदर कोई फ्रैक्चर या फिर जो clavicle bone का फ्रैक्चर वगैरह नहीं हुआ तो वो उसके अंदर हमको identify करना है, उसके अंदर उसका checkout किया जाएगा, ठीक है। The next measure the nipple size, ठीक है, और न्यू बॉर्न बेबी का जो nipple वाला जो part होता है तो उस nipple वाले part को उसके अंदर checkout किया जाता है, ठीक है, मीन्स ब्रेस्ट वाले एरिया के अंदर जो निपल का जो नंबर होगा वो उसके अंदर दो रहेगा, तो वो उसका जो निपल का नंबर होगा वो उसके अंदर हमको चेक करने की जरूरत रहेगी, ठीक है, और उसके अलावा उसका जो निपल वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो बर्थ के टाइम के अंदर जो निपल वाला जो पार्ट रहेगा वो निपल वाला जो पार्ट रहेगा वो उसके अंदर 5 mm का उसका साइज का रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट द एनुलर विल बी 1.5 inches, ठीक है, और इसके अलावा जो पिंपल वाले एरिया के अंदर जो ब्लैक कलर का जो निशान होता है, ठीक है, तो उसका जो ये डायमीटर होना चाहिए वो 1.5 इंचेस का नॉर्मल न्यू बॉर्न के टाइम के अंदर होना चाहिए, ठीक है, अभी ये इससे यदि कम रहेगा, ठीक है, मतलब पिंपल का साइज यदि 5 mm से इसके अंदर कम है, ठीक है, और इसके अलावा जो एनुलर जो ब्लैक कलर का जो निशान होता है वो उसके अंदर 1.5 inches से भी उसके अंदर कम है, ठीक है, तो वो इंडिकेट करेगा प्रीटर्म बेबी को, ठीक है, तो प्रीटर्म बेबी रहेगा तो उसके अंदर एनुला निपल का साइज होगा वो उसके अंदर अलग अलग उसके अंदर रहेगा, ठीक है। चेक फॉर द अमेजिया पाथेलिया एंड द अमेस्टिया कंडीशन, ठीक है, मतलब उसके बाद में चेस्ट वाले एरिया के अंदर जो ब्रेस्ट के जो टिश्यू है निपल वाला जो एरिया होता है, तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर चेस्ट वाले एरिया के अंदर हम चेक करेंगे कि निपल का यदि एब्सेंट रहेगा, ये निपल यदि उसके अंदर एब्सेंट रहेगा तो अमेजिया वाले कंडीशन हम उसको बोलेंगे, ठीक है, उसके अंदर एब्सेंट ऑफ द एल्यूलर टिश्यू, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये टिश्यू उसके अंदर एब्सेंट रहेगा, एल्यूलर वाला जो ब्लैक टिश्यू होगा निपल उसके अंदर अवेलेबल रहेगा वो आथेलिया कंडीशन।